प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ तमाम तीर्थ स्थल हैं, जिनके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास तीर्थ स्थान है सिरमौर जिले में। इस स्थान की अपनी ही एक अलग महत्ता है। जी हाँ, समुद्र तल से करीब 12,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद चूड़धार चोटी पर सप्तम कैलाश के नाम से विख्यात शिरगुल महादेव का प्राचीन मंदिर मौजूद है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय कर चूड़धार पहुंचते हैं। हाल ही में हमने ये जो हमारा शिवालिक पहाड़ियां हैं, इसमें सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार, और चूड़धार हमारे उत्तरी भारत का बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ चूड़ेश्वर महाराज का मंदिर है और पूरे सिरमौर जनपद के ग्राम देवता जो है हर साल वहाँ जाते हैं। शिरगुल महाराज मंदिर को लेकर पौराणिक कथाओं में शिव भक्त चूरू और उनके बेटे का जिक्र मिलता है। कथा के अनुसार चूरू अपने पुत्र के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए आया था, तभी एक सांप चूरू और उसके बेटे को काटने के लिए आगे बढ़ने लगा। दोनों ने भगवान शिव से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। कहते हैं बेटे की जान बचने के बाद दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए। इस घटना के बाद से मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई और ये जगह चूड़धार के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस देवस्थान को ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग कर रहे हैं। तो चूड़धार जो है पर्यटन की दृष्टि से भी उभरे, क्योंकि धार्मिक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन पर्यटन भी ऐसी सुंदर पहाड़ी पे जो है जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि देश विदेश में जो है पर्यटन की दृष्टि से चूड़धार का नाम हो। चूड़धार लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। ऐसे में यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं छिपी हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने के लिए कठिनाइयों भरी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की राह आसान करने के लिए प्रशासन की ओर से इस तीर्थ स्थल के करीब ही हेलीपैड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। हमने सरकार से डिमांड की थी कि वहाँ हेलीपैड बनाया जाए, जैसे अब हमारा मणिमहेश है, तो मणिमहेश के लिए भरमौर से जो है हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और वहाँ से मणिमहेश से 1 किलोमीटर पहले गौरीकुंड पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं, वहाँ हेलीपैड बना हुआ है। तो उसी तरह जो है हमने एक जगह आइडेंटिफाई की है चूड़धार के पास, कालाबाग है वहाँ का नाम। जब सना के रास्ते से हम ऊपर जाते हैं तो कालाबाग एक ऐसी सीधी समतल जगह है, तो वो आइडेंटिफाई की है और सरकार ने उसके लिए 10 लाख रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत भी कर। शिरगुल महाराज मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सारी मन्नत मुरादें पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी मिलता है। अगर इस तीर्थ स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर दिया गया तो यहाँ आने वालों की राहें तो आसान होंगी ही, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार का साधन भी मिल जाएगा। ईटीवी भारत हिमाचल प्रदेश के लिए नाहन से आशु वर्मा की रिपोर्ट।